संयुक्त राष्ट्र महासभा हर साल 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाती है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में लोगों की जिंदगी में खुशी को अहमियत देना है। इतना ही नहीं, हर साल सबसे खुशहाल देशों की रैंकिंग भी जारी की जाती है। हैप्पीनेस रैंकिंग में अव्वल नंबर पर एक बार फिर फिनलैंड है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे पर आइसलैंड और बात भारत की करें तो वह खुशहाल देशों की रैंकिंग में काफी पीछे 125वें स्थान पर नजर आता है। आइए जानते हैं कैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के पैरामीटर तय होते हैं। नंबर 1, प्रति व्यक्ति जीडीपी, जो देश की आर्थिक स्थिति को मापता है। जीडीपी प्रति व्यक्ति उस देश की आयु और उत्पादकता का मापदंड होता है जो उसकी अर्थव्यवस्था को मापने में मदद करता है। नंबर 2, सामाजिक समर्थन, यह पैरामीटर लोगों को उनके सामाजिक नेटवर्क और समूहों के संबंधों को मापता है जो उनकी संतुलित जीवन जीने में मदद करते हैं। नंबर 3, स्वस्थ जीवन की अपेक्षित आयु, यह पैरामीटर देश में लोगों के स्वस्थ जीवन की अवधि को मापता है जो उनकी आरोग्य स्थिति को दर्शाती है। नंबर 4, जीवन के चुनाव की मुक्तता, यह पैरामीटर देश के लोगों की स्वतंत्रता को मापता है जो उन्हें उनकी जीवन शैली, स्वतंत्र विचार और उनके जीवन में आजादी की स्थिति शामिल होती है। नंबर 5, उदारता, यह पैरामीटर देश के लोगों की उदार दानशीलता, दूसरों की मदद और सहायता करने की ऊर्जा को दर्शाती है। नंबर 6, भ्रष्टाचार की प्रतीति, यह पैरामीटर देश के लोगों की भ्रष्टाचार को लेकर उनकी भावनाओं को शामिल करती है।